हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच, और ये ब्रेड सैंडविच कुछ अलग सा होगा। तो मैं ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। तो देखिए कैसे बनाते हैं ब्रेड सैंडविच, वो भी अलग। एक ब्रेड, उसमें तो बटर लिया है मैंने, बटर को ऐसा अच्छी तरह से लगा दिया है। बटर लगाया है यहाँ पे अभी पिज्ज़ा सॉस, तो ये पिज़्ज़ा सॉस घर पे ही रेडी किया था मैंने, पिज़्ज़ा रेड सॉस। तो उससे थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे, अच्छी तरह से लगा दिया है। और इसके ऊपर मैं जो मैंने खीरा को स्लाइस करके लिया है तो इसे बिठा देंगे, और कुछ अलग नहीं देने वाले क्योंकि जो पिज़्ज़ा रेड सॉस है उसमें बहुत सारे चीज़ मैंने डाला हुआ है। तो ये ऐसे, तो तवे पे ऑयल ले लिया मैंने, 2 टेबल स्पून हो गया है मेरा। यहाँ पे मैं एक ब्रेड ऐसे दे दूंगी, ऐसे बना के खाइए आप लोग, बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं नाश्ता करके फिर आपसे मिलूंगी, बाय बाय। उमा को हेलो, दादू को को हेलो, दादू को बना। अच्छा अच्छा এখানে আছে, এখানে এই যে উমা, এখানে মোবাইলে টুকু আই টুকুলি আই যে মামা। এই যে সোনা পাপা কোথায় দেখি, প্রাচী কো আজ পুরা সাজি সাবরি সে হ্যাঁ, मतलब बहुत दिन से घर से बाहर हम लोग निकले नहीं, तो मैंने सोचा आज प्राची को थोड़ा सा मेकअप कर देती हूँ। तो प्राची का हल्का फुल्का मेकअप है ये, काजल का टिक्का, एक हेयर बैंड, थोड़ा सा बेबी क्रीम और एक प्यारा सा फ्रॉक। अभी पूरा खेली खेली में व्यस्त है, तो उसका थोड़ा सा मेकअप करके 2-3 टिकटॉक बना रही हूँ उसका। देखिए तो उसका टिकटॉक वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे अभी शेयर करूंगी। लाडो उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा ले चल से मेरा मुंह पोछ दे। रब जानदा है तू किए मेरे लिए, ए महल मोहब्बत दा गल्ला नाल चिणिया नहीं। ओ मैनू पुछदी रहंदी आ मैनू किन्ना। हाय गाइस,
देखिए प्राची को खेल रही है, मैं थोड़ा बारिंदा में उसको बिठा के थोड़ा खेल मतलब खेल रही है वो। तो देख रहे प्राची खेल में बिजी है। और साइड में देखिए ये गैस का नया कनेक्शन, तो ये मेरे नाम पे लिया है, हस्बैंड का नाम पे है एक सिलेंडर, तो एक कनेक्शन है और ऑलरेडी, तो इसीलिए अभी मेरे नाम पे एक कनेक्शन किया है, तो ये लाया है अभी अभी, तो ये नया कनेक्शन है। हम लोग ने पूरा कनेक्शन में पूरा सेट ही ले लिया है। प्राची को मैं थोड़ा सा धूप में भी बिठाती हूँ, हम लोग अपने बारिंदा पे ही बिठाते हैं, उसको बाहर नहीं निकालते हैं। और ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये है आप लोग को पता होगा पर मैं बोल रही हूँ क्या है, मतलब ये टूटी फूटी है जो हम लोग केक में डालते हैं, तो ये मैंने घर पे ही रेडी किया है। ये मैंने तरबूज का जो छिलका है उससे रेडी किया है, तो ये पूरा बन जाएगा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं धूप में सेक रही हूँ इसको, मैंने बॉईल कर लिया था छोटे छोटे पीसेस पे, फिर इसको मैंने चीनी पानी मतलब जो चीनी का हमारा शीरा होता है उसमें मैंने भिगो के रख दिया था, और थोड़ा सा कलर मिक्स किया है मैंने यहाँ पे रेड कलर, और ये अभी धूप में सूखेगा, फिर मैं इसको रख सकती हूँ स्टोर करके, कभी भी आप लोग दिल चाहें मतलब केक में डाल सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे घर में ही बनाती हूँ, तो ये मैं बना के रखा हूँ। हाय गाइस, तो ये है हमारा दोपहर का लंच आज, तो मैंने मछली बनाया था, छोटी मछली जो होता है वो, थोड़ा सा अचार लिया है मैंने मिर्ची और बोगड़ी का, और यहाँ पे नींबू मिर्ची नमक और ये प्लेन राइस। तो आज हमारा हल्का फुल्का एक ही सब्जी बनाया मैंने, टाइम नहीं मिला, तो ये है हमारा लंच। प्राची क्या कर रही है देखिए, इसे इसको खाने का सामान नहीं मिला, आई ये तो खाए ना, तो नोंगरा 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 टुकु हाय टुकु ओए देखो ए जी हाय बोल दे। हम लोग खेल रहे अभी, बोलो मैं रेडी के साथ खेल रही हूँ, बोलो ये क्या कर रहे हो, पैर पे किसी कर रहे हो क्या टुकु प्राची में तो कुछ अलग सा बनना चाहिए, तो मैं आज बनाना जा रही हूँ मतलब कुछ नया, वो है आलू पुली। तो हम लोग एक पीठा बनाते हैं, पुली पीठा का जैसा ही ये शेप में आएगा, पर इसके अंदर टफिंग आलू का होगा, तो इसका नाम है आलू पुली रेसिपी। तो आप लोग आलू पुली रेसिपी देखना मत भूलिए, पूरा वीडियो को देखिए लास्ट तक, और बोलिएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आप लोगों को ये रेसिपी, आई होप आप सबको पसंद आएगा, और आप सब लोग घर में एक बार तो जरूर ट्राई कीजिएगा ये, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए जरूर, और मेरे वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिए, और लाइक और कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए प्लीज, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अभी रेसिपी दिखाते हैं। आलू पुली बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी पे मैदा लिया है मैंने इतना सा नमक दे दूंगी, मिक्स कर लूंगी अच्छे से, करूंगी थोड़ा सा रिफाइन ऑयल, इसे अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी देके इस डो को मैं अच्छी तरह से बना लूंगी, एक सॉफ्ट सा डो इसे बना लेती हूँ मैं। डो को मैंने अच्छी तरह से कर लिया है, एकदम सॉफ्ट सा एक डो बनाइए, फिर इस डो को मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। आलू पुली का आलू का जो टफिंग होगा वो हम लोग अभी रेडी कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने लिया है यहाँ पे दो बड़ा साइज का बॉयल आलू, इसे मैंने बॉयल करके इसका छिलका जो है उतार लिया है, तो ऐसे जो हमारा हैंड ग्राइंडर है
मैं इसे यहाँ पे इस कटोरी पे ग्राइंड कर लूंगी, इसे आलू को ऐसे कर लूंगी। तो आलू को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को बिठाया है, कढ़ाई पे मैं थोड़ा सा रिफाइन ऑयल दे रही हूँ। तेल गरम हो गया है, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा। अब यहाँ पे मैं दूंगी अनियन, हरी मिर्च और अदरक लहसुन पेस्ट, ये मैंने काट के रख दिया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा चीनी ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर मिक्स कर रहे हैं। ये अच्छी तरह से भून चुका है। अभी आप लोग चाहे तो धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैश किया हुआ जो आलू है वो दे देंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे। आलू पूरी का जो आलू का टफिंग है वो हमारा रेडी हो चुका है, तो अभी पूरी बना लेते हैं। तो अभी मैं पूरी सब बना लेती हूँ। तो मैंने जो डोर को रखा था रेडी करके, वहां से मैं ऐसे राउंड ले रही हूँ। एक देखिए ऐसे लड्डू ले लीजिए आप, इतना सा। फिर इसको अपने उंगली को ऐसे बीच में लगा के, एक अंगूठी को ऐसे बीच में लगा के आप इसको ऊपर के तरफ टानिए, मतलब ऊपर के तरफ लाइए, ऐसे बड़ा कर दीजिए, इसे कटोरी जैसा बना लीजिए इसे पहले। तो ऐसा कटोरी जैसा हो गया है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ इतना सा आलू। अब इसको मैं जो आप लोग देख रहे हैं ऐसे मुंह को ऐसे इसके बंद कर दूंगी, चारों ओर से मैं ऐसे बंद कर दिया है। मैंने देख सकते हैं इसे बंद कर दीजिए। और चाहे तो इसमें ऐसे शेप भी दे सकते हैं आप, हाथ को घुमा घुमा के थोड़ा सा ऐसे शेप भी दे सकते हैं। वैसे सारे बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी, ठीक है। ऐसे कुछ बना लिया है, तो इसे मैं एक एक करके अभी फ्राई करूंगी। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, यहाँ पे ये धीमी आंच में ही बनाइए, नहीं तो जल जाएगा। वैसे कुछ मैं देखे सारे यहाँ पे दे दिया हमने, अभी जितना बनाया है। देख सकते हैं इसे मैं फ्राई होने के लिए दूंगी। अभी थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद दिखाती हूँ। मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं मैं लाल लाल करके फ्राई कर लिया है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया, मैं इसे उतार लेती हूँ। तो देखिए हमारा आलू पूरी, तो मैंने सारे यहाँ पे फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं तो ऐसे आप लोग सारे फ्राई कर लीजिए और ये बना के खाइए एक बार घर में, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चाय लिया है मैंने, चाय और आलू पूरी। तो ये हमारा शाम का नाश्ता है। मैं चाय पी रही हूँ, मतलब अभी शाम हो गई है, तो अभी बनाया है मतलब आलू पूरी और चाय, तो वो हम लोग अभी ले रहे हैं। प्राची अभी तक नहीं उठी है, वो सोई रही है, तो उसे सोने दिया है हमने। और वो उठेगी तो उसका खाना हम लोग दूसरा खिलाएंगे उसे। और हम लोग अभी दोनों मतलब चाय पी रहे हैं, तो
ये आलू पूरी जो बनाया है ये जो लिखे आलू का टफिन जो है आप लोग फिर से बनाइए और बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप लोग भी बना के खाइए। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी, फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और वीडियो मैं नया नया और देने वाली हूँ, मतलब मैं नई हूँ तो इसीलिए इतना अच्छा भी नहीं हो रहा है, लेकिन ट्राई करूंगी कि और अच्छा और नया नया कुछ वीडियो में मैं कुछ डालूं। तो उसके लिए तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ही जरूरत है, तो इसीलिए आप लोग प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब सब कर दीजिए फटाफट से। और फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, अभी तक के लिए बाय।